यहाँ पर आप देखते हैं तो 360 डिग्री कैमरा का कैमरा मिल जाता है। 16 इंच के व्हील्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और चीज़ जो है इस गाड़ी के अंदर स्विफ्ट से अच्छी मिलती है, बूट स्पेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको जो है स्विफ्ट से ज़्यादा मिलता है। एक मेन चीज़ बताऊँ जो कि स्विफ्ट से इस गाड़ी के अंदर मच बेटर है, तो चलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नई 2024 वाली मारुति सुजुकी बलेनो के टॉप एंड वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट की कीमत की बात करें तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 9,38,000 रुपये। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों ये गाड़ी जो है नई वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट से बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप जो है मारुति सुजुकी अरीना और नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आप जो है ओशियन मोटर्स फली डबल चौकी इंदौर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अरीना और नेक्सा दोनों की गाड़ियाँ मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक देखने को मिलेगा जो कि स्विफ्ट से देखने में थोड़ा सा बेटर लगता है। यहाँ पर आप स्विफ्ट देख सकते हैं, वो थोड़ी सी बेसिक सी लगती है, लेकिन यहाँ पर आप बलेनो को देखेंगे तो आपको एकदम प्रीमियम सी फील होती है। यहाँ पर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है ये। यहाँ पर आप देखते हो तो LED DRL यहाँ पर दे रखी है, प्रोजेक्टर में हेडलाइट सेटअप मिलेगा, इंडिकेटर आपका वही हेलोजन में मिलता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और क्रोम गार्निश यहाँ पर ग्रिल के अंदर मिल जाती है। सुजुकी का लोगो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप देखते हैं तो 360 डिग्री कैमरा का कैमरा मिल जाता है जो कि आपको जो है स्विफ्ट के टॉप मॉडल के अंदर नहीं मिलेगा। स्विफ्ट का टॉप मॉडल और इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल है उनमें प्राइस में सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम ही प्राइस के अंदर दोनों आते हैं। फ्रंट कैमरा मिल जाता है 360 डिग्री का और नीचे की तरफ आप ग्रिल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की मिल जाती है। और ओवरऑल जो इस गाड़ी का लुक है देखने में फ्रंट से एकदम बढ़िया लगता है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। और साइड लुक की भी बात करें तो साइड लुक भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है एकदम बढ़िया स्पोर्टी और प्रीमियम लुक इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। 16 इंच के व्हील्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। स्विफ्ट के अंदर आपको जो है 15 इंच के अभी भी अलॉय व्हील्स दे रखे हैं और ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं। 195/55 R16 की टायर प्रोफाइल यहाँ पर मिल जाती है। इसका अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और चीज़ जो है इस गाड़ी के अंदर स्विफ्ट से अच्छी मिलती है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। स्विफ्ट के अंदर आपको अभी भी 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और यहाँ पर आप देखते हो तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। भले ही 7 mm का फर्क है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क पता चलता है, क्योंकि स्विफ्ट जो है मैंने खुद पर्सनली कई बार ड्राइव करी है तो स्विफ्ट जो है टिकती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बलेनो जो है मेरे खुद के पास है, बलेनो बहुत कम टिकती है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। यहाँ पर आप देखते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वो आर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको कैमरा दे रखा है, टर्न इंडिकेटर इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखते हो तो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाते हैं और क्रोम गार्निश यहाँ पर विंडो के अंदर भी दे रखी है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्मल एंटीना दे रखा है, आई मास्टर प्रॉब्लम दे रखा है, वाइपर वॉशर डिफोकर तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो दे रखा है, बलेनो की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप देखते हो तो ये आपका कैमरा मिल जाएगा, अगेन आपका जो है क्रोम गार्निश दे रखी है। 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं और बूट स्पेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको जो है स्विफ्ट से ज़्यादा मिलता है। स्विफ्ट के अंदर आपको 265 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पार्सल टेप भी दे रखी है और जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 318 लीटर्स का। और इसमें स्पेयर टायर भी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाता है जो कि आपका है, रुक जाओ 2 मिनट, R15 एक साइज़ छोटा दे रखा है। और 60/40 स्पीड फंक्शन सीट यहाँ पर आ जाएगी, बोट में लाइट भी मिल जाती है, हुक वगैरह भी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप देखते हो तो ग्रैब हैंडल दे रखा है, रिक्वेस्ट सेंसर और जो आपको बूट अपनर है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देखते हो तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर आपको 37 लीटर्स की मिल जाएगी। LED में जो टेल लाइट सेटअप है वो मिल जाता है, इंडिकेटर रिवर्स लैंप यहाँ पर मिल जाता है। और रियर लुक की भी बात करें तो रियर लुक भी आपको जो है स्विफ्ट से बढ़िया मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये जो है एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी हो जाती है। की बात करें तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर बलेनो के अंदर मिल जाती है। इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। स्मार्ट की मिलती है वो एक अच्छी बात है, 10.5 लाख रुपए में आपको यहाँ पर बढ़िया सी की मिल जाती है। केवल लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर कंट्रोल इसके अंदर नहीं दे रखे हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हो तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं और लेदराइट दे रखे हैं, तो वो एक अच्छी बात है, स्विफ्ट के अंदर वो चीज़ नहीं आती है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं और ये जो ओवरऑल डोर ट्रिम है वो भी स्विफ्ट से बेटर यहाँ पर लगना है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो है ग्रीन टिंटेड ग्लास मिलते हैं जो कि स्विफ्ट के अंदर आपको नहीं मिलने वाले हैं। वाटर होल्डर दे रखा है, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। 4 पावर विंडो मिलते हैं ड्राइवर साइड के, 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में। लॉक अनलॉक का बटन ORVM को फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट करने के लिए दे रखे हैं। ड्राइवर साइड की जो सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आती है। और यहाँ पर आप देखते हो तो पुश बटन स्टार्ट यहाँ पर दे रखा है। HUD यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलने वाली है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दे रखा है, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो स्टार्ट का बटन यहाँ पर मिल जाता है। ABC तीनों पेडल दे रखे हैं, डेड पेडल यहाँ पर मिल जाएगा ये आपको बोनेट ओपन करने के लिए, और फ्यूल लिड ओपनर यहाँ पर मिल जाता है। और अगर बात करें इंटीरियर की तो
यहाँ पर आप देखो स्विफ्ट का इंटीरियर देखना एक बार जाके वीडियोस के ऊपर, और इसका इंटीरियर देखो, मतलब क्या ही प्रीमियम फील आपको इस गाड़ी के अंदर आने वाला है। और बात रही छः एयरबैग की, तो छः एयरबैग आपको इस गाड़ी के जेटा और अल्फ़ा दोनों ही वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिलते हैं इन वेरिएंट्स के अंदर। बाकी इंटीरियर आप देख लो, क्या ही प्रीमियम आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्सा की गाड़ी है तो थोड़ी प्रीमियम होती है। यहाँ पर आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, ये आपके जो है इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प इस गाड़ी के अंदर आते हैं, और नॉर्मल वाइपर यहाँ पर मिल जाते हैं। ये आपके टेलीफोनी के कंट्रोल दे रखे हैं, सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिल जाती है, वो एक अच्छा स्पोर्टी वाइब दे देता है। इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर आप देखते हो तो आपको इस गाड़ी के अंदर ये आपको जो है टेकोमीटर दे रखा है, ये स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में एक डिजिटल MID मिल जाती है, जो कि स्विफ्ट के अंदर भी सेम आते हैं। मतलब इसमें आप रेंज फ्यूल इकोनॉमी माइलेज वगैरह सब शो कर देगा। इंस्ट्रूमेंट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, इंटीरियर से देखने में ये गाड़ी जो है स्विफ्ट से मच बेटर लगती है और प्रीमियम से लगती है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का व्यू मिल जाता है, यहाँ से आप व्यू सारे इसके चेंज कर सकते हो। देखो ये आप देखो क्या ही प्रीमियम लगता है। 9 इंच की स्क्रीन है, और स्विफ्ट के अंदर जो है नया वाला फ्रेम आया ना, तो वो थोड़ा सा मतलब ड्राइवर ओरिएंटेड है, लेकिन थोड़ा सा क्या है वो देखने में अजीब सा लगता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एकदम बढ़िया सी स्क्रीन है 9 इंच की, तो बढ़िया सी लगती है देखने में। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। एसीवेंट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखते हो तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाते हैं, USB का पोर्ट यहाँ पर दे रखा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर स्विफ्ट के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, वो भी एक आपको बता दूँ। फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हो, 2 कप होल्डर दे रखे हैं, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर दे रखा है, और स्विफ्ट के अंदर एक चीज़ नहीं है तो जो कि है आर्मरेस्ट, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दे रखा है। कप यहाँ पर इतनी स्पेस इसके अंदर मिल जाएगी, इसे आप जो है आगे पीछे भी कर सकते हो, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इतनी स्पेस मिल जाएगी, और ओवरऑल इंटीरियर देखो आपको, मतलब स्विफ्ट से तो क्या ही बढ़िया इंटीरियर इस गाड़ी के अंदर मिलता है। मतलब मैं बार बार बोल सकता हूँ कि इसका इंटीरियर जो है स्विफ्ट से मच बेटर देखने में लगता है। यहाँ पर आपको लाइट दे रखी है, जो कि हेलोजन में है। इस साइड आपको जो है ये वेनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, और इस साइड भी आपको एक वेनिटी मिरर मिल जाएगा जिसमें आपको लाइट मिल जाती है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। और बढ़िया से इंटीरियर यहाँ पर देखने में लगेगा। 5 के 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर आप सीट्स की जो बकेट फिटिंग है वो देखो, क्या ही बढ़िया यहाँ पर सीट इस गाड़ी के अंदर लगती है। और सेफ्टी में भी यहाँ पर ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड सारे फीचर यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, तो वो भी एक बढ़िया सी बात हो जाती है। और अगर बात करें इस गाड़ी के सेकंड रो की, तो सेकंड रो में चलते हैं और आपको वहाँ का स्पेस दिखा देता हूँ। स्पेस भी जो है आपको यहाँ पर स्विफ्ट से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। और यहाँ पर आप देखते हो तो आपको वही डोर ट्रिम मिलेगा जो कि आगे मिलता है, सॉफ्ट टच वगैरह एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, पावर विंडो का बटन मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट, बोल्ट होल्डर स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाएगी। रियर में आप देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट दे रखी है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि अगेन स्विफ्ट के अंदर नहीं आते हैं। और रियर में आप देखते हो तो सीट जो है मैंने थोड़ी सी आगे कर रखी है, लेकिन स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलता है। यहाँ पर आप देखते हो तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है AC vents मिल जाते हैं, और एक Type A पोर्ट यहाँ पर दे रखा है, और Type C पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ओवरऑल लुक आप देख लो इंटीरियर से, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं, और यहाँ से जो डैशबोर्ड का लुक है वो देखने में एकदम बढ़िया और प्रीमियम सा लगता है। और अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम भी इस गाड़ी के अंदर बढ़िया सा मिल जाता है। पसीना बहुत आ रहा है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इसलिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी इस गाड़ी के अंदर जो है एक लाइट दे रखी है। स्विफ्ट के अंदर केवल एक आगे लाइट मिलती है, जो कि अगेन छोटी सी और हेलोजन है, ठीक है। और एक मेन चीज़ बताऊं जो कि स्विफ्ट से इस गाड़ी के अंदर मच बेटर है, तो चलो इस गाड़ी के इंजन की ओर हम चलते हैं, जो कि स्विफ्ट से कई गुना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज की स्विफ्ट के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको आज भी वो एक 1-2 ड्राइव एलिमेंट वाली चीज़ है ना, वो मिलती है। और वो चीज़ क्या है मैं बताऊँ आपको, तो वो चीज़ इसके नीचे है, जो कि है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। स्विफ्ट के अंदर मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। यहाँ पर जो आपको पावर मिलती है वो मिलती है 88.50 BHP की, और 113 Nm का टॉर्क। स्विफ्ट के अंदर आपको 112 Nm का टॉर्क मिलता है। ये थोड़ा गर्म हो रखा है, इसको हटा देते हैं। तो
यहाँ पर जो है आपको 88.50 bhp के पावर मिलती है, 113 nm का टॉर्क मिलता है। उसी के साथ साथ जो इस गाड़ी की क्लेम्ड माइलेज है वो 22 किलोमीटर प्रति लीटर की है। स्विफ्ट की भले ही 24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज हो, लेकिन जो ये वाली स्विफ्ट थी और ये बलेनो है, मतलब फोर सिलेंडर ही होता है एज़ कम्पेयर टू थ्री सिलेंडर। चलाने में मज़ा आता है, फन टू ड्राइव एलिमेंट इस गाड़ी के अंदर जो है अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल लुक्स के मामले में देखोगे तो आपको जो ये गाड़ी है स्विफ्ट से मच बेटर लगने वाली है देखने में और चलने में और सारी चीज़ों में। तो ये थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी बलेनो के टॉप एंड वेरिएंट अल्फा वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।